टक्कर देने वालों को। देखिए अगर मुद्दा हम लोग बताने लगे तो मुद्दा कम पड़ जाएगा। ये तानाशाह कुलपत इतना भी बड़ा तानाशाह है कि हम लोग को समझ लिए कि बीएससी का भी रिजल्ट निकला है उसमें 90% लड़कों का, किसी का स्टार किसी का साथ 90% लड़कों को फेल कर दिया गया है। और यहाँ तक कि हम लोग आंदोलन जब ख़त्म किए 16 दिन का समय दिया, 16 दिन के बाद इसका समझ लिए कि कोई अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला। आज पुतला फूका गया है सभी भाइयों के साथ, और मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि पुतला फूकने के माध्यम से उसके अंदर जो दोष है और जो उसके ऊपर तानाशाह है वो खत्म हो दुष्कर्म, और उसके भगवान उसको सही तरीका अपनाए और बुद्धि दे उसको। और अगर इस पुतले फूकने के आंदोलन से अगर हम लोग का नहीं माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन इस मुख्यमंत्री के शहर में किया जाएगा, और इसके सारी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन और जहाँ तक ये सत्ता होंगे। सुंदरम राय अमन छह नेता दिव्यनाथ पी जी का देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब से प्रोफेसर राजेश सिंह आए हैं विश्वविद्यालय अनियमितताओं का खान बन गया। विश्वविद्यालय में आए दिन परीक्षा परिणाम ये तो बहुत लेट से ले रहे हैं। विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर की अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। एक एक दिन में तीन तीन चार चार पेपर कर रहे हैं, एक छात्र का एक दिन में तीन पेपर चार पेपर है। आप ही बताइए कि एक छात्र माइंडली किस तरह से प्रिपेयर हो कि वो परीक्षा दे। आपने अभी जल्दी ही परीक्षा परिणाम जारी किया है बीएससी या बीए वालों के द्वितीय वर्ष के छात्रों को, जिसमें 95% छात्रों के रिजल्ट अपूर्ण हैं, INC लगे हुए हैं, W स्टार विधेयक तमाम सारी समस्याएँ हैं, और जानबूझकर विश्वविद्यालय धन उगाही के लिए ये कार्यक्रम करा रही है। विश्वविद्यालय एजेंसी का नाम नहीं बता रही है, RTI डालने पर बच्चों का कापी नहीं दिखा रही है। पिछले 6 सालों से गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालय में छात्र चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव के नाम पर प्रत्येक वर्ष ये हमसे शुल्क ले रहे हैं और उस शुल्क का गबन कर रहे हैं। उन सभी के विरोध में सभी छात्रों के मन में रोष था, उन्होंने संवैधानिक रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपत का पुतला फूका है। अगर हमारी बात आज भी और नहीं सुनी गई तो इससे जो भी संवैधानिक कदम होगा इसके आगे हम उठाएंगे। आज हम लोग सभी साथियों के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपत हैं, जो अपने रवैयों को इनको नहीं पहचान पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोग हैं, इनको पता नहीं है जो BA का रिजल्ट निकल रहा है, BSc का रिजल्ट है, सब बच्चों का उसमें INC निकल जा रहा है, 100 में 90% बच्चे फेल हैं, और यहाँ पे इनका स्कॉलरशिप में दिक्कत आ रही है, ये रिजल्ट में दिक्कत आ रही है, और प्लस गोरखपुर विश्वविद्यालय में 13 दिनों से हम लोग छात्र चुनाव की मांग को लेकर AD बिल्डिंग में धरना कर रहे थे। 3 दिनों का भूख हड़ताल भी था, उसमें हमारे 2-3 साथियों का तबीयत भी खराब था, जिला अस्पताल एडमिट कराया गया, उसके बाद इन्होंने जूस पिला कर आके अनशन तोड़वाया। इन्होंने कहा था कि 16 दिन के बाद प्रशासन का कोई आदेश आएगा, लेकिन अभी 16 दिन हो गया इनका कोई आदेश नहीं हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग कुलपत प्रोफेसर राजेश सिंह का पुतला जलाए हैं, और मैं आपके मीडियम के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, आज हम लोग पुतला जलाए हैं, और अगर 2 से 3 दिनों के अंदर अगर हम लोग की बात को अगर नहीं रखा गया, कोई इनसे आश्वासन